रामगढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह झारखंड राज्य के सहायक सचिव महेंद्र पाठक ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि मोटरसाइकिल के लिए पास बनाना सरकार के अव्यवहारिक फैसला है। कोरोना महामारी की लड़ाई में सख्ती जरूरी है, उसके लिए बसों को रोका गया। चार पहिया गाड़ी के लिए अंतर जिला के लिए पास जरूरी है, लेकिन जिले के अंदर जरूरी कार्यों के लिए दो पहिया चार पहिया प्राइवेट गाड़ियों में ई पास बनाने को व्यवहारिक नहीं है। सरकार का फैसला गलत है, क्योंकि एक महीने से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन के माध्यम से महामारी को रोकने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन सभी लोगों को पास बनाने के लिए संभव नहीं। सभी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल कंप्यूटर या मोदी जी का डिजिटल इंडिया नहीं है, और है भी तो उन्हें पास बनाने के लिए अक्ल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे राज्य के अंदर खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सारी दुकानों में ताले लगे हुए हों, तो इस तरह का पास की जरूरी नहीं, इसलिए सरकार को वापस लेना चाहिए। अपने घर के अगल बगल सब्जी की दुकान या राशन की दुकान, दवाई लेने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसके लिए पास नहीं होना महंगा पड़ेगा, पुलिस ये डंडा चलेगा। प्रशासन एवं पुलिस की लोगों को परेशान करेगी और अवैध वसूली भी होगी। वैसी परिस्थिति में सरकार को विचार करना चाहिए कि दो पहिया हो या चार पहिया वाहन गैर जरूरी कार्यों के लिए बाहर ना निकले, इसकी जांच हो, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए दो पहिया चार पहिया वाहनों को जिला के अंदर चलने की अनुमति बगैर पास की देनी चाहिए। एक तरफ कोरोना महामारी का डर, दूसरी तरफ बेरोजगारी भुखमरी से निपटने के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं। एक महीने के लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले एवं मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे ही आर्थिक रूप से परेशान हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह के सहयोग नहीं है या आर्थिक सहायता लोगों को नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं एवं भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार का फैसला लॉकडाउन का 27 मई तक का कम्युनिस्ट पार्टी स्वागत करती है। बसों को रोका गया और कई तरह की वाहनों को रोका गया, दर दुकान को बंद किया गया, कोरोना महामारी के रोकने के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन मोटरसाइकिल का ई पास यह सरकार के अव्यवहारिक फैसला है, व्यवहारिक नहीं है। जरूरी सेवाओं के लिए दवा के दुकान पर, सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के लिए अगल बगल जाना हो तो मोटरसाइकिल का ई पास होना, चारपहिया वाहन के ई पास होना यह मजाक जैसा लगता है। दूसरे जिला जाने के लिए ई पास जरूरी है, लेकिन अपने जिले के अंदर भ्रमण करने के लिए ई पास को नहीं रखना चाहिए। सरकार जो अव्यवहारिक फैसला उसको वापस ले। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि एक महीना हो गए, अब एक महीना में सारे धंधे बंद हैं, लोग भुखमरी के कागार पर हैं, गरीबों के राशन नहीं मिल पाया है, किसी भी तरह के परेशानी से निपटने में उनके पास सरकार के पास कोई योजना नहीं है। केंद्र की सरकार हाथ खड़ा कर चुकी, पहले राज्य सरकार पर थोप दी है, इसलिए राहत कार्य को भी विचार करना चाहिए सरकार को। दूसरे छोटे छोटे जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं जिनके धंधे बंद हैं, वो बैंक के EMI नहीं दे सकते हैं, वो कर्ज नहीं चुकती कर सकते हैं, तो उनका खाता NPA में जाएगा। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी राहत व्यवसायिक वर्ग के लोगों को दे, ताकि EMI पर रोक लग सके, उनके खाता NPA नहीं हो। और इस तरह के जो फैसले हैं, जो अव्यवहारिक फैसले हैं, वो आज सरकार वापस ले और जिले के अंदर दो पहिया और चार पहिया चलाने की इजाजत सरकार दे, नहीं तो पुलिस जायती करेगी, डंडा चलाएगी और जनता के आक्रोश सरकार को झेलनी पड़ेगी। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव। दान निर्माण का भरोसा, लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।